अलवर में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान राजगढ़ रोड पर जयंती फार्म हाउस में भीषण आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सहित दमकल और सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। ऐसे में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि गृह विभाग के निर्देश के अनुसार आंतरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए पूर्व अभ्यास किया गया। इस तरह की घटनाओं में प्रशासन तुरंत सक्रियता में कार्रवाई करता है और इसी की जांच मॉक ड्रिल के माध्यम से की गई। आज जो एक्सरसाइज हुई है ये इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम नामक एक स्कीम है गृह मंत्रालय की, अपने गृह विभाग की, जिसके तहत पुलिस प्रशासन का किस प्रकार की तैयारी है किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए, उसके तहत ये एक्सरसाइज जो है ये की जाती है। आज जो ये एक्सरसाइज हुई है ये जयंती जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है इसके कैंपस के अंदर भीषण आग लगने की, इंडस्ट्रियल आग लगने की जो जानकारी है उसको देखते हुए यहाँ पे ये मॉक ड्रिल की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे प्रशासन के सभी विभागों का यहाँ पे रिस्पांस देखने को मिला है, कई चीज़ों का विश्लेषण इस रिपोर्ट में निकल के आएगा और हम प्रयास करेंगे कि अलवर प्रशासन का जो रिस्पॉन्स। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।